Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic polling and counting of votes. This is the final stage of an election is the day. अब हम लोग जो है फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अब देखेंगे कि लास्ट स्टेज में किसी इलेक्शन में क्या होता है. बिफोर स्टार्टिंग दिस यू मस्ट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू फॉर दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो यहाँ ऐसा होता है कि वोटर जो लास्ट डे होता है उस दिन जो है या तो आप बोल सकते हैं कि वोटर अपने वोट को कास्ट करते हैं या पोल करते हैं. तो इस दिन यूजुअली क्या होता है, इस दिन को यूजुअली जो है इलेक्शन डे के नाम से जाना जाता है. और हर एक आदमी, हर एक पर्सन जिसका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो नियर बाई पोलिंग बूथ पे जाता है जहाँ उसका नाम है. और ये नियर बाई पोलिंग बूथ कहाँ हो सकता है, तो ये नियर बाई पोलिंग बूथ मे बी सिचुएटेड इन अ लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिसेस, कहीं भी ये हो सकता है. और वंस अगर एक बार वोटर जो है पोलिंग बूथ के अंदर चला जाता है बूथ के अंदर, तो वहाँ पे ऑफिशियल्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके उंगली पे जो है एक मार्क लगाया जाता है और उसको वोट करने के लिए अलाउ किया जाता है. एक एजेंट, एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ श्योर दैट पोलिंग टेक प्लेस इन फेयर वे. एक्चुअली जहाँ पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे हर पार्टी का जो है एक एजेंट रहता है जो ये इंश्योर करता है कि जो पोलिंग है वो फेयर चल रहा है या नहीं. इसके पहले जो वोटिंग होती थी, वोटर्स अंदर में जाते थे, वो क्या करते थे कि उनको जो है एक पेपर दिया जाता था और स्टैम्प दिया जाता था. वो पेपर को बैलेट पेपर बोला जाता था और उस पर जो है बैलेट पेपर पे क्या होना हो करना रहता था, ये एक पेपर रहता था, सीट ऑफ पेपर जिस पे जो है कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते थे और पार्टियों के नाम सिंबल के साथ लिस्टेड रहते थे. उस पे जो है बस कैंडिडेट को स्टैम्प लगा देना होता था जिसको वो वोट देना चाहते थे. लेकिन आजकल बदल गया, आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम कहा जाता है उसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया है. इसमें जो है मशीन जो है सारे कैंडिडेट्स के नाम दिखाती है विद सिंबल्स, जो पार्टी के सिंबल्स होते हैं उसके साथ, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी सिंबल अलॉट करता है इलेक्शन कमीशन. सो वोटर्स को क्या करना होता है कि सिर्फ जो है उस बटन को प्रेस कर देना होता है जिसको वो वोट देना चाहते हैं, उसके नाम के आगे जो है प्रेस कर दीजिए. एक बार जब पोलिंग पूरा ओवर हो जाता है और सारे के सारे ईवीएम को सील्ड कर दिया जाता है, उसको सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाता है, कुछ दिन के बाद जो डेट फिक्स होता है फिक्स डेट पे ईवीएम मशीन्स को जो है खोला जाता है और जो वोट जितना वोट जिसको मिला है, जितने कैंडिडेट को जिसको जितना मिला है उतना उसके नाम से काउंट होता है. यहाँ पर भी जिस कैंडिडेट को जितने वोट मिलते हैं उसको ऐड करके रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है और टेलीविज़न चैनल, रेडियो और न्यूज़पेपर सब में जो है इस न्यूज़ को सेंड कर दिया जाता है. विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों की काउंटिंग के बाद सारा का सारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है कि अगली गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है. नाउ यू जस्ट सी, आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट इन गुलबर्गा. इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले लिया था, तो 2014 का ये रिजल्ट है. टोटल 8 कैंडिडेट्स लड़ रहे थे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से. टोटल जो एलिजिबल वोटर्स थे वो थे 17.21 लाख, जिसमें 9.98 लाख वोटर्स ने वोट किया, इन लोगों ने अपने वोट को कास्ट किया. जो कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी था मल्लिका अर्जुन खड़गे, आप यहाँ देख सकते हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, इनको सबसे ज़्यादा जो है वोटिंग मिला था 5,7,193 लगभग 50% वोट के साथ ये उस सीट से जीत गए थे और यही जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलबर्गा सीट से अनाउंस हुए. नाउ अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आर द इलेक्शन टू एक्सपेंसिव फॉर आवर कंट्री, क्या जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं हमारे कंट्री के लिए. तो एक कंपेरिजन करके हम लोग देख लेते हैं. अब देखिए बोला जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन उठाया जाता है, तो माना जाता है कि गवर्नमेंट ने जो है 3,500 करोड़ लोकसभा इलेक्शन में खर्च किया था जो कि 2014 में हुआ था, और
और ये अमाउंट कितना है, तो पर बोटर ये 40 रुपीज लगभग जाता है। अब आगे ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ने खर्च किया, इसके अलावा जो पार्टीज ने और जो कैंडिडेट ने खर्च किया वो अलग था। अगर रफली ये बोला जाए कि गवर्नमेंट, पार्टीज और कैंडिडेट्स ने मिला के टोटल कितने खर्च किए, तो लगभग जो है 30,000 करोड़ आता है, मतलब 500 पर वोटर आता है। चलिए अब इसको कंपेयर करके देख लेते हैं। 2005 में हम लोगों की गवर्नमेंट ने जो है 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रांस से खरीदने का डिसीजन लिया। हर एक सबमरीन का जो कॉस्ट था वो 3,000 करोड़ आ रहा था। उसी तरह से दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज किया गया था 2010 में, उसका एस्टिमेटेड जो खर्च था वो था 20,000 करोड़ का। तो अगर हम देखें कि एक एक जो वर्क होता है गवर्नमेंट का, उसमें जो है इलेक्शन के बराबर जो है पैसा खर्च हो जाता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ करते हैं 6 है, 3 एक पड़ रहा, मतलब 18 आपको थाउजेंड पड़ जाएगा, यहाँ 18,000 करोड़ पड़ जाएगा। उसी तरह से ये तो लगभग जो है एक इलेक्शन के खर्च के बराबर पैसा आ गया। तो इस कंडीशन में हम ये कभी नहीं कह सकते हैं इलेक्शन बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर हम लोग इसकी नेसेसिटी को देखें, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर हमारी डेमोक्रेसी रन नहीं कर सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू और कंडक्ट अ इलेक्शन फॉर आवर कंट्री। सो दिस मनी डज नॉट मैटर टू मच नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर टूडे।